हाउ टू ब्लॉक एंड अनब्लॉक सम वन ऑन फेसबुक सो गाइज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में फेसबुक एप्लीकेशन पर किसी भी पर्सन को ब्लॉक एंड अनब्लॉक कैसे करना है स्पेशली इन दिस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और ये जो टॉपिक है स्पेशली ओनली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कवर करूँ जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया है 2022 में और आपको नहीं पता कि किसी भी अन नोन पर्सनस को किस तरीके से ब्लॉक करना है और अनब्लॉक करना है फेसबुक अकाउंट पर तो यहाँ पर मैं फ़ेसबुक एप्लीकेशन में कैसे ब्लॉक करना है और फेसबुक की वेबसाइट पे कैसे ब्लॉक करना है दोनों का प्रोसेस बताऊंगा जिससे आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्लियर हो जाएगा बिकॉज़ फ़ेसबुक एप्लीकेशन में ब्लॉक का जो सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंस है और फेसबुक की जो वेबसाइट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है मतलब ऑप्शन सेम ही है बट थोड़ा सा सेटिंग का आगे पीछे का चेंजेस है जो बस आपको बेसिक तरीके से समझना जरूरी है तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है फेसबुक एप्लीकेशन जब भी आप फेसबुक यूज़ करो तो ज़रा बेटर होगा फेसबुक की एप्लीकेशन का यूज़ करो तो ऐसे में यूज़ करने में आपको ईजी पड़ेगा तो जब भी आप अपने फेसबुक के किसी भी फीचर के बारे में अगर आप अवेयर रहना चाहते हो तो मेक श्योर आप अपने फेसबुक की एप्लीकेशन को ज़रूर अपडेट करो फेसबुक एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है लॉग इन होने के बाद डायरेक्टली आपको इस थ्री डॉट सेक्शन पे टैप करना है और यहाँ पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा इस पर टैप कर लेना है राइट right है या तो डायरेक्टली आपका जो होम पेज है होम पेज पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर इस पर आपको टैप कर लेना है टैप करने के बाद यहाँ पर आपको डाउन साइड में आपके फ्रेंड्स शो हो जाएंगे जिनका भी जो भी आपके फ्रेंड लिस्ट में एडेड है बट इनमें से कुछ ऐसे भी पर्सनस हो गए जो आप नहीं चाहते कि वो आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड रहे बिकॉज उनमें से कुछ अन नोन होते हैं कोई फ्रॉड्स फेक अकाउंट्स होते हैं तो ऐसे में उस अकाउंट को ब्लॉक करना ज़्यादा कन्वीनट होता है तो लेट्स एग्जांपल अब ये मेरे केसेस में ये जो बंदा है ये बेसिकली एक फेक है ये कोई मेरा फ्रेंड नहीं है और मैं इसे ब्लॉक करना चाहता हूँ और समटाइम्स ये मेरे पोस्ट पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी करता है जो मुझे नहीं पसंद है और ऐसा आपके साथ भी होता रहेगा राइट रहे? तो ऐसे में आप इस टाइप के वियर्ड लोगों को ब्लॉक कर सकते हैं सिंपल सा ब्लॉक करने के लिए आपको इस इस पे टैप करना है प्रोफाइल आइकन पे उस बंदे के समवन के एंड देन उसके बाद पर थ्री डॉट का एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे टैप करना है एंड देन पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लॉक का वाइट यो इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है एंड यहाँ पर जैसे आप ब्लॉक के ऑप्शन पे टैप करेंगे तो ये ऑप्शन आपको पॉपअप होगा आर यू हो यू वॉन्ट टू ब्लॉक दिस पर्सन तो जैसे आप इस पर्सन को ब्लॉक कर दोगे तो इतनी सारी जो कैटेगरी है ये आपको इस फ्रेंड के साथ में नहीं देखेगी पहला तो ये है कि अगर आप इसे ब्लॉक कर दोगे तो इसकी कोई भी पोस्ट या आपकी कोई पोस्ट सामने वाले पर्सों को नहीं दिखेगी जिसे भी आपने ब्लॉक किया है सेकेंड अगर कुछ भी ग्रुप में इन्विटेशन होता है या कुछ भी एक्सेट्रा तो आप उसे इन्वाइट नहीं कर पाओगे दैट्स इट लेकिन हाँ अगर आप जिस वाले बंदे को आप ब्लॉक कर रहे हो उसे आप फिर से अनब्लॉक भी कर सकते हो तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर मेंशन है तो फिलहाल यहाँ पर डायरेक्ट आपको ब्लॉक के ऑप्शन पर टैप करना है जैसे आप इसे ब्लॉक कर दोगे उसके बाद इंस्टेंटली आपके फ्रेंड लिस्ट से हो जाएगा। इसकी इसकी कोई भी स्टोरी, कोई भी पोस्ट कुछ भी आपको शो नहीं होगा तो अभी फिर से राइट तो, right? तो यहाँ पर वो बंदा था वो अभी यहाँ से निकल गया है अब, example, कि किसी भी रीजन की वजह से आप फिर से उस पर्सन को अनब्लॉक करना चाहते हो उस समवन को अनब्लॉक करना चाहते हो तो इसके लिए आपको फिर से जाना है फेसबुक की सेटिंग्स में यहाँ पर टैप करके एंड टैप करने के बाद यहाँ पर डाउन साइड में स्क्रोल करना है स्क्रोल करना है स्क्रोल करना है स्क्रोल करना है और यहीं पर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लॉकिंग का तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2021 में थोड़ा सा अलग था और अभी 2022 में इसका यूज़र इंटरफेस कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुका है तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है जाना तो डायरेक्टली अभी आपको यहाँ पे ब्लॉकिंग के पहले इनसाइड में ऐसा था कि फेसबुक के सेटिंग्स में जाने के बाद अंदर की तरफ आपको ये ब्लॉक का ऑप्शन मिलता था लेकिन अभी यह आपको भारी की तरफ मिल जाता है दैट्स इट तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद ऑडियंस एंड विजिबिलिटी के ऑप्शन में आना है एंड यही पर सेकेंड लास्ट नंबर पर ब्लॉकिंग का एक ऑप्शन मिलेगा इस पर टैप कर लेना है एंड देन उसके बाद यहाँ पर जितने भी पर्सन को आपने ब्लॉक किया है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे तो डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है एंड देन उसके बाद अगर आप इसे अनब्लॉक कर दोगे जिस भी पर्सन को आपने ब्लॉक किया है उसे अगर आप फिर से अनब्लॉक कर दोगे देन उसके बाद यहाँ पर ये यह इंस्टेंटली आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएगा लेकिन समटाइम्स थोड़ा सा टाइम लेता है अब यहाँ पर इस यहाँ पर एक लास्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्लियरली मैंशन है कि अगर मैं इस पर्सन को फिर से अनब्लॉक कर दूँगा तो इसके बाद मैं नेक्स्ट 48 एट आवर्स तक इसको फिर से ब्लॉक नहीं कर सकता आफ्टर 48 एट आवर्स के बाद ही मैं इसे ब्लॉक कर पाऊंगा तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है तो ये बात से एग्री होने के बाद ही आपको इसे अनब्लॉक करना है बिकॉज एक बार आपने इसे अनब्लॉक कर दिया जिस पर्सन को आपने ब्लॉक किया है तो उसके बाद आप डायरेक्टली फोर्टी आवर्स के बाद ही उसे फिर से ब्लॉक कर पाओगे तो ये बात आपको ध्यान रखना है उसके बाद डायरेक्टली यह ब्लॉक के लिस्ट निकल गया है और उसके बाद ये फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाता है लेकिन समटाइम्स ये तुरंत नहीं होता है समटाइम्स थोड़ा सा डिले रहता है अब यहाँ पे मैंने इसे अनब्लॉक किया लेकिन फिर से ये फ्रेंड लिस्ट में अभी तक ऐड नहीं हुआ लेकिन थोड़े देर में रिफ्रेश हो जाता है तो आपको यहाँ पे जस्ट वेट करना है सो दैट ऑल अबाउट तो इस तरीके से फेसबुक की एप्लीकेशन में आपको किसी भी पर्सन को ब्लॉक करना है अब दूसरी बात है कि फेसबुक के वेबसाइट में कैसे ब्लॉक करना है अनब्लॉक करना है समवन को तो फेसबुक एप्लीकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट था और अभी फेसबुक की जो वेबसाइट है उसमें भी सेम ही है लेकिन थोड़ा सा सेटिंग का आगे पीछे चेंजेस है तो एक बार फेसबुक की वेबसाइट पे भी चेक इट आउट कर लेते हो तो यहाँ पर मैं फेसबुक की वेबसाइट पे जा रहा हूँ सो नाउ ये फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट राइट इसमें भी ऑलमोस्ट यू एस सीम ही है लेकिन थोड़ा सा सेटिंग में चेंजेस है तो कि आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना है यहाँ पर फिर से आपको फ्रेंड लिस्ट मिल जाएंगे अब लेट्स एक्साम्पल मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ इस वाले बंदे को राइट तो इसके ऑप्शन पर मैं टैप करूंगा अब ये फेसबुक की वेबसाइट है जो मैं क्रोम ब्राउजर में एक्सेस कर रहा हूँ उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर थ्रेडर ऑप्शन पे टैप करना है राइट या तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना फेसबुक की एप्लीकेशन में आपको ऊपर की तरफ ऑप्शन मिलता है और फेसबुक की वेबसाइट में आपको डाउन साइड में ऐसा ऑप्शन मिलता है तो ब्लॉक करते वक्त आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं फेसबुक की वेबसाइट पर भी इस प्रोसेस को बता रहा हूँ तो डेट से मैं इस पर टैप करता हूँ तो डाउन साइड में यहाँ पर ही यह ऑप्शन आता है राइट या दैट्स इट तो उसके बाद आपको डायरेक्टली ब्लॉक के ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पर डायरेक्टली रेड टैप पर टैप कर लेना है तो एप्लीकेशन डिफरेंट था यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है चेंजेस दैट्स इट अब उसके बाद वो बंदा यहाँ से अब ये जो बंदा है मैंने इसको ब्लॉक किया था अब इसे रिफ्रेश करूँ मैं रिफ्रेश करने के बाद ये यहाँ से ब्लॉक हो चुका है और मेरे फ्रेंड लिस्ट से ये उड़ चुका है यू कैन सी राइट हियर दैट्स इज ऑल अबाउट तो ये है एक सिंपल सा प्रोसेस जो आपको अप्लाई करना है फेसबुक पर किसी भी समवन को ब्लॉक या अनब्लॉक करने के लिए अगर फिर से मैं इसे अनब्लॉक करना चाहूँ तो फिर से मैं जाऊँगा उसी सेटिंग में तो यहाँ पर फिर से जाऊँगा थ्रेडर ऑप्शन पर अब यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे ना फेसबुक की एप्लीकेशन में जो यू है यूज़र इंटरफेस वो ईजी है एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप फेसबुक एप्लीकेशन का यूज़ करो स्पेशली बिगिनर्स को कह रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो ओके okay? तो आप फेसबुक की वेबसाइट में अगर आप करोगे तो आपको इतना ज़्यादा अच्छा स्मूथनेस और एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलेगा एप्लीकेशन में आप ज़रा इजीली कन्वीनियंट कर पाओगे अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो फेसबुक की वेबसाइट में आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा उस पर्सन को अनब्लॉक करने के लिए सेटिंग्स में तो इसके लिए डायरेक्टली आपको सेटिंग्स में जाना है फिर से तो यहाँ पे है फेसबुक का सेटिंग तो यहाँ पर, पर, पर आपको अंदर की तरफ मिलता है तो डायरेक्टली स्क्रोल करना है स्क्रोल करना है और यहाँ पर आपको प्राइवेसी के ऑप्शन में फेसबुक की वेबसाइट में प्राइवेसी के ऑप्शन में आपको ये ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा और जो फेसबुक की एप्लीकेशन थी वहाँ पर आपको बाहरी की तरफ ही ये ऑप्शन मिल रहा था अनब्लॉक करने का तो इसलिए ये एप्लीकेशन ज़्यादा ईजी पड़ेगा एंड उसके बाद ब्लॉक के ऑप्शन पे टैप करना है एंड देन उसके बाद इसे फिर से मैं अनब्लॉक कर दूंगा यहाँ पर टैप करके अब सेम यहीं पर भी वही सीन होगा कि डायरेक्टली नहीं होगा ये थोड़ा सा वेट लगेगा यानी कि इसे मैंने अनब्लॉक तो कर दिया लेकिन मेरे फ्रेंड लिस्ट में ऐड होने के लिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा दैट्स इज ऑल अबाउट तो बस इसी तरीके से गाइस आपको फेसबुक एप्लीकेशन और फेसबुक की वेबसाइट दोनों पर आपको किसी भी सामवर्ड को ब्लॉक एंड अनब्लॉक सेम इसी तरीके से करना है और एक और चीज़ का ध्यान न कीजिए कि फेसबुक की एक और एप्लीकेशन है विच इज़ फेसबुक लाइट तो उसमें भी आपको सिस्टम सेम ही मिलेगा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप चाहते कि मैं फेसबुक लाइट एप्लीकेशन का भी बताऊँ तो इतना ज़्यादा बेटर कन्वीनियंट नहीं होगा बिकॉज़ फ़ेसबुक एप्लीकेशन और फेसबुक लाइट एप्लीकेशन दोनों का यूआई सिस्टम ऑलमोस्ट सिमिलर है तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसलिए मैंने फेसबुक लाइट के बारे में आपको बताया नहीं अब डायरेक्टली जैसे आप फेसबुक एप्लीकेशन में ब्लॉक किया सेम उसी तरीके से आपको ब्लॉक करना है और एक और चीज़ का मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कहना चाहता हूँ जो आपको ध्यान से सुनना है कि अगर आप फेसबुक का अकाउंट आप फर्स्ट टाइम आप क्रिएट कर रहे हो स्पेशली बिगिनर्स के लिए तो यहाँ पर अगर आप अपना मोबाइल नंबर या ई मेल अगर आप ऐड कर रहे हो तो मेक श्योर sure उसे कंप्लीट तरीके से प्राइवेट रखना है पहली बात आपको अपना मोबाइल नंबर फेसबुक पर अपडेट करना ही नहीं है अगर कुछ ज़्यादा नेसेसरी नहीं है स्पेशली फीमेल्स के लिए कह रहा हूँ कोई भी आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं ई मेल आई आप जनरली अपडेट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मोबाइल नंबर आपको अपडेट नहीं करना है जब तक कि कुछ आपका इंपॉर्टेंट वर्क ना हो अगर पर्सनल टाइम पास के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो ऐसे में आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर बिल्कुल भी अपडेट मत करिएगा मैं इसे रिकमेंड नहीं करता मीन्स ये एक तरीके से सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूँ अगर आप अपडेट भी कर रहे हो तो कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उससे हाइड करके रखना स्पेशली फीमेल्स के लिए कह रहा हूं तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा सो दबाउट इस तरीके से किसी भी पर्सन को ब्लॉक एंड अनब्लॉक करना है फेसबुक पर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड दिसंक यू एंड कुछ भी अगर आपका डाउट एंड क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं उसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में है थैंक यू